वेलकम नाजरीन, प्रोग्राम डीएनए के साथ हाजिर हैं। मैं हूं अंजुम रशीद और मेरे साथ हैं एक सीनियर सहाफ़ी खुशनूद अली खान। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर, तीन रुकनी बेंच के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर जिसमें शेख रशीद को अहल करार दिया गया है, लेकिन एक इख्तलाफी नोट सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा है और उस इख्तलाफी नोट में कहा है कि कागजात नामजदगी में असासे और दूसरी चीज़ें जाहिर करने के बारे में अगर कोई गलती हो तो उसको उसके बारे में फैसला करने के लिए जो है असर नौ एक सुप्रीम कोर्ट का 17 रुकनी बेंच बनाया जाए जो पूरे मामले का जायजा लाए ले, ताकि जो 62 के तहत नाहली करार दी जाती है उसका भी दायरा देखा जाए और दूसरे मामलात को भी देखा जाए। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लीगो पोलिटिकल ब्रेन चौधरी एतजाज अहसन साहब। चौधरी साहब, पहले तो आप जरा इस पर कमेंट कर दें कि ये जो इख्तलाफी नोट आया है इसको आप कितने दूरस्थ नतीजे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 17 रुकनी बेंच का मुतालबा किया गया है और तमाम मामलात को दोबारा से देखने का कहा गया है। इसमें जो है पनामा केस को भी लपेट में आता है। अंजुम, बात यह है कि 17 रुकनी बेंच तो बिल्कुल नहीं बनना चाहिए। अच्छा, हालांकि ये इख्तलाफी फैसला बड़ा अहम फैसला है और काजी फैज ईसा ने एक बड़ी बुनियादी बात उठाई है, पर 17 रुकनी बेंच इसलिए नहीं बनना चाहिए कि 17 रुकनी बेंच को अगर उसमें गलती हो गई, आखिरकार इंसान है और उसमें गलती उनसे फिर कोई हो गई तो उसको कौन नजरसानी करेगा उसकी। 17 रुकनी बेंच तो बनाने शुरू किए थे इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी, चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने 17 रुकनी, 16 रुकनी, 15 रुकनी, 14 रुकनी बेंचेस बना दिए और उनके फैसले अब उन पे और गलत फैसले भी जो किए उन पे आज अब कोई नजरसानी नहीं हो सकती। तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है कि 17 रुकनी बेंच सारी अदालत बैठे, पर 7 रुकनी बेंच बन जाना चाहिए, जरूर बनना चाहिए, और क्योंकि बड़े एक किस्म के इख्तलाफी और मुतजाद फैसले सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी हो गए हैं। नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन एक कश्ती में सवार हैं, इमरान खान, शेख रशीद और ख्वाजा आसिफ एक दूसरी कश्ती में सवार हैं। अब नवाज शरीफ को तो अकामा रखने पे नाहल करार दिया गया, जो कि मैं समझता हूँ दुरुस्त फैसला था, क्योंकि अकामा एक ऐसा वर्क परमिट है, वर्क का मुलाजमत का एक गैर मुल्की कंपनी की मुलाजमत का एक ऐसा सर्टिफिकेट है जो अगर आप, ये तो और बात है कि वो अरब इमारात की कंपनियां थी और ख्वाजा आसिफ की भी अरब इमारात की कंपनी थी, लेकिन फर्ज करो ये इंडियन कंपनी होती, लॉ में तो कोई नहीं लिखा कि इंडिया का और यूएई में या सऊदी अरब में कोई तमीज की जाएगी। कानून तो एक नजर से देखता है, अगर रिलायंस ग्रुप का मुलाजिम हो पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इंडियन कंपनी का, आप देखें तो क्या वो सिक्योरिटी ब्रीच नहीं होगी, उसकी वफादारी वहाँ होगी कि यहाँ होगी, पाकिस्तान से होगी। और ये एक फैसला ख्वाजा आसिफ का इसलिए बिल्कुल गलत फैसला आया है। और इसमें एक चीज मैं अर्ज कर दूं कि ये भी इसमें वो शायद आए थे कि उसकी 10,000 दिरहम तनख्वाह थी एज एम ए में, फिर वो वजीर दफा हुआ तो 25,000 दिरहम हो गई माना, फिर वो वजीर खारजा हुआ तो 40,000 हो गई। इसी तरह शेख रशीद साहब का फैसला जो है ये भी एक बाकी फैसलों से हटकर है, क्योंकि इसमें गुंजाइश दे दी गई है गुरेज की, अपनी जो पोजीशन जो गलत बयानी दानिस्ता या सेवन हो गई है उससे गुरेज की एक लिहाज से करेक्शन करने की, ये एडमिट करके कि मेरे से गलत बयानी हुई है और उसको उससे माजरत और करने की और उससे गुरेज करने की, उसकी तस्हीह करने की का इख्तियार दे दिया गया है, जो कि दूसरों को नहीं मिला, ना जहांगीर तरीन को
ना मियां नवाज शरीफ को। तो ये मुतजाद फैसले हैं और काजी फैजी साहब, जस्टिस काजी फैजी साहब ने जब कहा है कि इनके इनसे कंफ्यूजन होगी रिटर्निंग ऑफिसर के जहनों में भी कि कौन से फैसले को तस्लीम किया जाए। हाँ जी, तो ये अकामा पे डिस्क्वालिफिकेशन बिल्कुल दुरुस्त है और ये ख्वाजा आसिफ की भी होनी चाहिए थी। अगर इजाजत देनी है गुरेज की डेक्लरेशन में तो फिर भी अकामा से नाअहलियत होगी क्योंकि वजीर आजम पाकिस्तान का हो, किसी खुददार मुल्क का वजीर आजम हो, वो मुल्क तसव्वुर कर सकता है कि किसी दूसरे मुल्क की कंपनी से वो तनख्वाह ले या ना ले, ये भी कानून का इससे ताल्लुक नहीं है। लेकिन वो मुलाजमत हो एक गैर मुल्की कंपनी की, अपने बेटे ही की हो या बेटे की ना हो, ये भी कोई इसमें कानून कहता है कि अगर गैर मुल्की कंपनी के मुलाजिम हो आप तो आप वजीर वफाकी वजीर और वजीर खारजा और वजीर आजम जैसे अहम ओहदों के सेंसिटिव ओहदों पे ना हो, वरना तो फिर कल इंडिया की कंपनी की मुलाजमत करेंगे और वजीर आजम भी बनेंगे पाकिस्तान के। और तो ये कानून में जो मुतजाद तजाद जो फैसलों में तजाद नजर आता है उसके तहत एक लार्जर बेंच जरूर बनना चाहिए ताकि इन तमाम मामलात को असर नौ देखा जाए। चल साहब, मैं खुशनूद अली खान हूँ, आपसे सिर्फ इतनी सी बात पूछ रहा है कि आपकी जो गुफ्तगू है उसमें आप तकरीबन ये सवाल उठा रहे हैं कि फैसलों में भी तजाद मौजूद है। सिर्फ आपका कहना यह है कि 17 रुकनी बेंच नहीं 7 रुकनी बन जाए ताकि उसको कोई रिव्यू कर सके, लेकिन आप इसके असरात क्या देखते हैं इन ही फैसलों के जो कंट्राडिक्टरी हैं, और क्या कंट्राडिक्टरी फैसले कौमी सियासत को मुतासर नहीं कर रहे? नहीं, यकीनन इनका असर तो पड़ेगा, कंफ्यूजन तो जैसे काजी शायद ईसा साहब ने कहा है कंफ्यूजन तो पैदा होगी। और काजी फैज ईसा साहब इस मामले में और एक सही जगह पॉइंट आउट किया है, हालांकि उन्होंने भी एक फैसला बड़ा मुतनाज़ा सा दिया है जो हुदैबिया में उन्होंने ये कह दिया है कि एक फौजदारी मुकदमा जायदुल मियाद हो सकता है, उस पर लिमिटेशन लग सकती है, यानी आप रेप करें या कत्ल करें और 10 साल आप पुलिस के काबू में ना आए, आप छुपे रहें मकरूर रहें और 10 साल बाद आप कहें कि ये तो मेरे खिलाफ अब केस बनता ही नहीं, ये मकरूरों को एक इजाजतनामा हो, फौजदारी केस कभी जायदुल मियाद नहीं होता, वरना हसन और हुसैन तो सीधा ही ये लेंगे कि मकरूर हैं। नवाज शरीफ इस वक्त अपने मकरूर नवाज शरीफ मकरूरों के पास बैठे हैं, एब्सकॉन्डर्स फ्रॉम पाकिस्तानी लॉ उनके पास बैठे हुए हैं, अपने समधी भी उनके वो मकरूर हैं, बेटे भी दोनों मकरूर हैं, और लंदन में एक ही घर में जो मुतनाज़ा घर है जो मुतनाज़ा महल नुमा अपार्टमेंट्स हैं उनमें बैठे हैं। और नवाज शरीफ इतना नहीं पूछ के आएंगे वो बेटों से कि भाई तुम्हारे पास ये पैसे कैसे कहाँ आए। अच्छा चौधरी साहब, अगर जो है जो आपकी तजवीज के मुताबिक 7 रुकनी या 9 रुकनी बेंच बना तो उसके फैसले से जो है वो मियां नवाज शरीफ का जो फैसला है उस वो उनकी वो मुतासिर हो सकता है? मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि अकामा तो उनका सिर्फ ये मसला नहीं है कि वो डेक्लरेशन में गलती है, उनका है कि अकामा है, आप वजीर और रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडिया के अगर मतलब कंपनी सोच ले, मैं इंडिया का नाम जान के ले रहा हूँ ताकि कानून का फोकस इससे पता लगे कि इस फैसले से क्या कुछ हो सकता है। और रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडिया के रिलायंस ग्रुप या सज्जन जिंदाल के ग्रुप स्टील ग्रुप के आप मुलाजिम हो और आप इधर पाकिस्तान के वजीर आजम हो और आप तस्लीम करें कि ये अकामा दुरुस्त है पर मैंने तनख्वाह नहीं ली, मेरे बेटे की कंपनी है मैंने तनख्वाह नहीं ली, अब वो कानून तो नहीं देखता बेटे की कंपनी है, कानून देखता है किस मुल्क में रजिस्टर्ड है, पाकिस्तान में है या बाहर है, अब वो इसलिए उनका उनके फैसले पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि अकामा वाले चाहे वो ख्वाजा आसिफ हो चाहे वो वजीर आजम पाकिस्तान
साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ हो, उनको मेरा नहीं ख्याल सात रुकनी बेंच भी कोई रिलीफ देगा इस मामले में कि वो वजीर खारजा और वजीर आजम होके एक गैर मुल्की एंटिटी की सर्विस में और मुलाजमत में हो। ये तो कोई दुनिया का मुल्क और कोई कानून बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। चलो साहब, एक पड़ेगा आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए एक और बड़ा कंफ्यूजन है कि पार्लियामेंट ने जो कानून बनाया उसमें वो फॉर्म उस तरह नहीं था और चीज़ें नहीं थी, अब वो फॉर्म एक हलफनामे की शक्ल में आ गया है, तो ये कानून से आईन से तजावुज नहीं है? और अगर अदालत ने सुप्रीम कोर्ट ने ये वाला काम किया है तो यह चैलेंज नहीं हो जाएगा? सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज अगर किया है तो कहाँ चैलेंज होगा फिर? नहीं, वहां भी रिव्यू में कोई जा सकता है ना कि आपने ये जो काम किया? रिव्यू में जाना चाहिए, रिव्यू में जाना चाहिए, पर वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही जाएगा ना। देखिए, असल में तो पार्लियामेंट है ना सुप्रीम, लेकिन यहाँ कुछ और नजर आ रहा है। नहीं, ये एक कश्मकश पार्लियामेंट और अदालतों में सारी दुनिया में होती है, रहती है, 400 साल से है, अमेरिका में भी है, भारत में भी है, पाकिस्तान में भी है, जहाँ कॉमन लॉ कंट्रीज है वहाँ ये कश्मकश है। पार्लियामेंट कहती है मैं कानून बनाता हूँ, मैं कानून बनाता हूँ और मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ और कानून मैंने बना दिया। अदलिया कहती है लेकिन कानून के मानी वो होंगे जो कि मैं उसको बताऊंगा कि ये इसके मानी है, ये इसके मफहूम है। तो उसमें एक सुप्रेमसी की कश्मकश ये डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रहती है और रहेगी। चौधरी एतजाज अहसन साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन एनलाइटन किया और उनकी रहनुमाई की। खुशनूद अली खान साहब, चौधरी साहब ने जो बात की है इसे एक बात तो बहुत क्लियर हो गई है कि जो फैसला पढ़ने के बाद जो मेरी राय बनी थी कि जो 17 रुकनी बेंच का जो मुतालबा किया है और ये बेंच अगर बन गया तो इसके फैसले जो हैं वो इतना बड़ा बेंच होगा कि इसके फैसले इस बाइंडिंग होंगे, इस सिलसिले में तमाम फैसलों में बाइंडिंग होंगे, बाइंडिंग होंगे। लेकिन जो चौधरी एजाज ने कहा है, उन्होंने गुरेज किया है, उन्होंने गुरेज कलफ से इस्तेमाल किया, उन्होंने गुरेज इसलिए किया कौम मुल्क पार्लियामेंट सबके मफाद में कि अगर सात रुकी बेंच होगा और कोई गलत फैसला करेगा तो रिव्यू हो सकेगा, वरना ये जो 17 रुकी बेंच है ये तो फाइनल है ना, फाइनल फिर इसको कोई देख नहीं सकता। इसमें एक और चौधरी एतराज ने जो है ना वो मियां नवाज शरीफ के केस को चुमटी से उठा के बिल्कुल अलग रख दिया है, क्योंकि ये जो शेख रशीद वाला केस है इसमें जो है वो जो इशू था, इशू ये था कि शेख रशीद ने जो कागजात नामजदगी पेश किए इलेक्शन कमीशन में उसमें कुछ हकायक को छुपाया था। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये हकायक को छुपाया था लेकिन ये गलती से छुपाया था, ये छुपाना इतना बड़ा ब्लंडर नहीं, ये कैसे तमाम होगा कि गलती से छुपाया था? वो उन्होंने उस हकायक को छुपाने की जो हकायक है उसकी बुनियाद के ऊपर नवाज शरीफ से भी ये कहा नहीं, जाता नहीं, है नहीं, 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 कि आपने हकायक ठीक बयान नहीं किए, असल में ये आप ही की प्रॉपर्टी है, आप अपने बच्चों के नाम दिखा रहे हैं। जी, आप नैब का कानून बिल्कुल अलग है, ये जो सुप्रीम कोर्ट डिस्कस कर रहा है कानून, कानून जो भी है वो अपनी जगह अफेक्ट्स तो एक ही बंदे पर, ये एक ही फैमिली पर, नहीं नहीं वो बिल्कुल अलग कानून है नैब का, उसके बारे में बात थी, लेकिन ये जो कानून है जिसके सो मोटो एक्शन लेता है जो सुप्रीम कोर्ट, ये मामला कहां से शुरू हुआ? मेरी सुन ले आप, सुप्रीम कोर्ट से नहीं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये भी ये समझ ले कि इसके अफेक्ट्स वही हैं। लेकिन चौधरी एतजाज ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ के ने जो है हकायक को नहीं छुपाया, सिर्फ नवाज शरीफ ने जो एतजाज हसन है हाँ वो इस मुल्क में एक तो उनके पाए के वकील कम है हाँ, और दूसरा एतजाज हसन सियासत को भी जानते हैं और कानून को भी जानते को भी, आइन को भी, लिहाजा लीगो पॉलिटिकल ये बुनियादी तौर पर एक ऐसे प्रैक्टिशनर्स हैं लॉ के हाँ। जो अलग उठा के रख सकते हैं हाँ, अगर इनकी जगह हाँ। कोई और तबसरा कर रहा होता तो हम कहते हैं कि ये तो वो हाँ वो क्या कहते हैं हम घेर लेते हैं अच्छा अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि जो अकामा है किसी गैर मुल्की कंपनी में वजीर आजम का काम करना एक खुद एक जुर्म है
और हकाइक को छुपाना एक अलग जुर्म है। तो जो मियां नवाज शरीफ का केस है, उन्होंने क्योंकि एक गैर मुल्की कंपनी में, तो हम पाकिस्तान के सामने सवाल ही नहीं कर सकते कई, या हमारा आपस में रिश्ता ऐसा है और पुराने जानते हैं, लिहाजा कई बातें हमने भी नहीं, इसलिए कि एतजाज असम जब बोल रहा हो तो उसके उनकी गुफ्तगू में बहुत सारी चीजें जो नहीं कही है वो कौमी मफाद में होती है। एक और बात, वो जानते हैं कि क्या बोलना है क्या नहीं। एक और बात भी है कि चौधरी एतजाज क्योंकि एक लीगो पॉलिटिकल ब्रेन है, एक इंटेलिजेंट सियासत के और कानून के हैं, उन्होंने वो बहुत से क्वेश्चन आपको करने की इजाजत ही नहीं दी, वो खुद ही उसका जवाब दे दिया। जो क्वेश्चन क्यों आम वकील होता तो मुझे इसमें 5-6 क्वेश्चन करने पड़ते, लेकिन उन्होंने खुद ही जवाब दे दिया कि मियां नवाज शरीफ का केस जो है, अगर ये 7 रुकनी बेंच भी करे तो मियां नवाज शरीफ का केस इससे अलग रहेगा और ये जो बाकी जो केस है वो अलग रहेंगे। लेकिन उन्होंने मियां नवाज शरीफ के केस के साथ जो है ख्वाजा आसिफ का केस मिला दिया। नहीं, उन्होंने दो कैटेगरीज में इनको तकसीम कर दिया ना, एक ख्वाजा आसिफ वाला जो फायदा उठाने वाला और एक नवाज शरीफ वाला, उसके नीचे कौन से आते हैं वो अलग कर दिए, और इसके नीचे किस, यानी नुकसान किसको हुआ वो अलग फहरिस्त बना दी, और फायदा किसको हुआ अलग बना दी। और उन्होंने बहुत सारी बातें कहे बगैर सिर्फ ये कह के कि ये दो कैटेगरीज हैं, बहुत सी बातें कह दी। नाज़रीन, यहाँ पर हमें लिंक और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और इसी मसले को मजीद तफसील से डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन उसी सवाल पर के जो शेख रशीद साहब को अहल करार देने के सिलसिले में जो तीन जजों ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया है उसमें काजी फायज ईसा की का जो इख्तलाफी नोट है उस पर राय देने के लिए हम पाकिस्तान के एक बहुत एक आलम फाजिल माहिर आइन को हामिद खान साहब को हम दावत दे रहे हैं। हामिद खान साहब जो है वो वकीलों के भी उस्ताद हैं और आइन पे जो है वो सबसे अच्छी किताब लिखी है इन्होंने मेरे नज़दीक, और एक बहुत बड़े स्कॉलर भी हैं, और ये इस पर हमें बताएंगे कि हामिद खान साहब ये जो काजी फायज ईसा साहब ने मुतालबा किया है कि 17 रुकनी बेंच बनाया जाए और ये बेंच जो है जब बनेगा तो इसमें मियां नवाज शरीफ साहब को भी फायदा हो सकता है, इस पर जो है वो दूसरे लोग भी मुतासिर हो सकते हैं, इस पर क्या पॉलिटिकल सीन बन सकता है क्या नहीं हो सकता, जरा इस पर हमारे नाज़रीन को आप आगाह करें। देखिए बात यह है कि जो इख्तलाफी नोट नहीं है वो इजाफी नोट है, पहली बात तो मैं वाजे करना चाहता हूँ कि काजी फायज ईसा ने कोई इख्तलाफी नोट नहीं लिखा, अजाफी नोट लिखा है। अच्छा, उसमें उन्होंने ये कहा है कि ये उन्होंने कोई इस केस में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया और कहा कि इसमें बहुत सारी उलझने हैं जिनको सुलझाने की जरूरत है क्योंकि मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ बेंचेस ने ऑर्डर्स दिए हैं इस डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, लिहाजा बेहतर ये होगा कि एक फुल कोर्ट या लार्जर बेंच बनाया जाए जो कि इस मसले को हल करे और एक जो इश्यूज उन्होंने डिफाइन किए हैं सो 7-8 इश्यूज उन्होंने अपने जजमेंट में आइडेंटिफाई किए हैं और कहा है कि इनके ऊपर वाज़े फैसला आना चाहिए ताकि जो भी इस वक्त उलझाओ या जो भी इस वक्त एम्बिग्युटी है उसको दूर किया जा सके और आइंदा के लिए इस कानून को वाज़े किया जा सके कि किस किस को और किन हालात में और किस हद तक डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो उन्होंने काफी हद तक एक कलेबरेट एडिशनल नोट दिया है जिसमें उनका ये ख्याल है कि बाज केसेस 5 जजेस बेंच के फैसले हैं, बाज 3 जजेस बेंच के फैसले हैं और उनका आपस में भी कहीं कहीं कंट्रडिक्शन ये खिलाफ नजर आता है, तो सारी चीज को रिजॉल्व करने की जरूरत है। हामिद खान साहब, मैं खुशनूद अली खान हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि ये जो कंट्रडिक्शन हैं मुख्तलिफ फैसलों में या जो तजाद है इसको दूर करने के लिए मुनासिब तरीका क्या होगा। मसलन हमने एतजाज साहब से ये पूछा तो एतजाज साहब कहते हैं कि 17 रुकनी 7 रुकनी बेंच बनना चाहिए ताकि उसका कहीं रिव्यू तो हो, 17 रुकनी बेंच अगर कर देगा तो फिर उसका रिव्यू किधर करेंगे। असल में बात ये है कि मैं एतजाज साहब से एग्री करता हूँ कि 17 रुकनी बेंच यानी फुल कोर्ट जो है वो नहीं बैठनी चाहिए। इससे पहले जितने भी केसेस में फुल कोर्ट बैठी है वहाँ आज तक कई सारे मामलात में उलझाओ पड़ा हुआ है कि अगर इसको रिविजिट करना पड़ जाए किसी स्टेज पर तो फिर वो 17 से कम नहीं कर सकते। रिव्यू तो बाहर सूरत हो सकता है, 17 करें तो 17 रिव्यू सुन सकते हैं, अगर 7 करें तो 7 रिव्यू सुन सकते हैं, वो मुझे डिफिकल्टी रिव्यू की नज़र नहीं आती, लेकिन मुझे यकीनी तौर पर उसका जो रिविजिट करने की बात है कुछ सालों के बाद जाके अगर कोई ऐसी महसूस किया जाए कि ये इसको रिविजिट किया जाए, हो सकता है उसमें 17 जज अवेलेबल ना हो, तो ऐसी सूरत में फिर एक एक किस्म का वो एक हतमी फैसला हो जाता है बहुत सारे अरसे के लिए। तो ये बात तो मैं उनसे एग्री करता हूँ, 7 रुकनी हो, 8 रुकनी हो, 9 रुकनी हो वो बेहतर है बजाय इसके कि आप फुल कोर्ट बिठा दें और फिर 17 रुकनी फैसले को बाद में उसको रिव्यू या रिविजिट करने में डिफिकल्टी फेस। अच्छा हामिद खान साहब, ये जो फैसला है, ये जो इशू है कि कागजात नामजदगी में बताए गए हकायक अगर जो है वो दुरुस्त साबित नहीं होते तो इसी इशू में जो है वो मियां नवाज शरीफ का केस भी आता है, जहांगीर तरीन का भी केस आता है, ख्वाजा आसिफ का भी केस आता है, शेख रशीद का भी केस आता है, तो अगर जो आप कह रहे हैं कि अगर बड़ा बेंच बन जाए तो ये जो सारे फैसले हैं जहांगीर तरीन का, नवाज शरीफ का और शेख रशीद का और ख्वाजा आसिफ का, तो ये फैसले जो है ये मुतासर हो सकते हैं बड़े बेंच के नतीजे में जिसकी तजवीज़ आप दे रहे हैं। जाहिर है हो सकते हैं,
क्योंकि उनमें देखना पड़ेगा कि किस किस्म के नॉन डिस्क्लोजर को आप समझते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर होती है, उसमें किस हद तक ज्यादा सीरियस एलिगेशंस हैं, और उसमें एक टेस्ट तो उन्होंने किसी हद तक अपने सवाल में ही दिया है, और वो टेस्ट उन्होंने ये कहा है कि जो जिससे कोई बेसिक मकसद या नीयत अपनी डिस्क्वालिफिकेशन छुपाना हो जहां पर, वो अगर नॉन डिस्क्लोजर है तो वो बहुत सीरियस नेचर का है। लेकिन उसके बरक्स अगर कोई नॉन ऐसा बजाह नजर नहीं आता कि वो अगर बता भी दिया जाता तो कोई उससे डिस्क्वालीफाई हो जाना था, तो फिर उस सूरत में उसको सीरियस नॉन डिस्क्लोजर नहीं कहा जा सकता। मिसाल के तौर पे उम्र की मिसाल ली जा सकती है कि एक आदमी अगर वो क्वालिफाइड है, वो अपनी उम्र 26 साल लिखता है या 27 साल लिखता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वाकई अगर उसकी उम्र 25 साल से कम है और वो 26 साल लिखता है, तो उस सूरत में जो नॉन डिस्क्लोजर है या सर, सर आपके बात के दौरान मुझे काटनी पड़ रही है, ये नीयत का फैसला कौन करेगा? नहीं, इसमें तो नीयत वाली बात कम नजर आ रही है, इसमें तो एक बड़ी वाज़े सूरत हाल नजर आ रही है कि अगर वो डिस्क्लोजर सही होता तो डिस्क्वालीफाइड था क्लियरली, यानी वो तो कानूनी तौर पर डिस्क्वालीफाइड था। अब ये जहां पर मामला आ रहे हैं वो वैल्यूज की बात है कि क्या आपने उसमें अपनी सही डिस्क्लोजर में जायदाद की कुछ पाया है, उसका सही डिस्क्लोजर किया है या नहीं किया है, ये चीजें इसमें आएंगी। लेकिन हैविंग सेड दैट, क्योंकि अगर तो आपने आर्टिकल 62(1)F को रखना है तो फिर उसको रिडंडेंट नहीं किया जा सकता। फिर इस सूरत में जो नॉन डिस्क्लोजर, जो सीरियस नेचर का नॉन डिस्क्लोजर है, मिसाल के तौर पर आपने बाहर बहुत बड़ी एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, अब वो प्रॉपर्टी जो है वो अपने इतने अच्छे से इसको छुपाए रखा हुआ है, और उसके पीछे ये वजह ये नजर आती है कि आप अपना वो पैसे जिसका आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, उसकी ट्रेल नहीं दे सकते, इसलिए आपने उसको डिस्क्लोज नहीं किया। लेकिन मिसाल के तौर पर किसी के पास मुल्क के अंदर जायदाद है, वो 10 मरले की है, आप उसको 7 मरले या 5 मरले लिख देते तो वो कोई मटेरियल बात नहीं है, या एक आध 5-7 मरले की जायदाद जो है वो। लेकिन सर इसमें ये भी तो है ना कि शेख रशीद के पास इतनी जायदाद थी कि वो उसका यानी उसको सही डिक्लेयर भी नहीं कर सका, तो इसको कैसे लेंगे? वो तो एक आप जजमेंट ले रहे हैं, आप जजमेंट ले रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हामिद खान साहब में वो ऐसे हम फैक्ट्स में एक पर्टिकुलर केस के ना जाए। हामिद खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़रीन को एनलाइटन किया और उन्हें इस सिलसिले में उनकी सही रहनुमाई की। नाज़रीन, यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. خوشنود علی خان, حامد خان صاحب نے جو ہے وہ زیادہ ایشو پہ تفصیل سے بات کیا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایسی حقیقت چھپانا جس حقیقت کی وجہ سے آپ کی نااہلی ہو سکتی ہے یا کوئی آپ کا جرم ثابت ہوتا ہے, تو اس حقیقت کو چھپانا اور ہے, اور ایک ایسی حقیقت کو چھپانا جس میں آپ کی اہلیت جو ہے وہ متاثر ہی نہیں ہوتی, کہ آپ کے پاس جو ہے وہ 10 کنال ہے یا 8 کنال ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ نے کم از کم 100 سے زائد کنال چھپائے ہیں. میں نے یہ جو آخر میں ان سے سوال کیا تھا جو آپ نے کہا کہ میں ججمنٹ لیتا ہوں, بیسک بات یہ ہے, میں چونکہ 3 وکیلوں کا باپ ہوں نا, اس لیے میں زیادہ لیگل دیکھیں. ہر کیس انڈیویجول کیسز ہوتے ہیں, اور جب سپریم کورٹ میں جاتے ہیں تو انڈیویجول کیس بھی قوم کے کیس بن جاتے ہیں, اس لیے کہ بعد کے جو آنے والے کیسز ہیں ان میں وہ فیصلے کورٹ ہوتے ہیں. ہاں ہو گئی. لیکن یہ جس کیس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں یہ ابھی بات کھلی نہیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ وہ ہے جو بھی ریویو میں جائے گا, جو بھی درخواست لے کے جائے گا, اور جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ پوری قوم پہ اس کا اثر پڑے گا. اگر حامد خان آپ کے اس سوال کا جواب دیتے تو آپ شیخ رشید کے بارے میں بہت سے پرابلم کریٹ کر سکتے. ابھی دیکھیں بیرسٹر فروغ نسیم صاحب سے بات کرتے ہیں کیونکہ وہ بھی ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. ناظرین, معروف قانون ساز اور قانون دان سینیٹر بیرسٹر فروغ نسیم ہمارے ساتھ ہیں. ہم بات کریں گے جو شیخ رشید صاحب کے بارے میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس پر جو ایک اختلافی نوٹ چھپا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, اس پر پہلے فروغ صاحب کا ہم کمنٹ لیں گے اور پھر اس کے بعد سوال کریں گے. فروغ صاحب, اس پر اس جو اختلافی نوٹ ہے اس پہ آپ کا کمنٹ کیا ہے, آپ کی رائے کیا ہے؟ میرے خیال میں کہ ہر جج کا یہ ایک صلاحیت اختیار ہوتا ہے کہ وہ میجورٹی ججمنٹ سے ایگری کرے یا ڈسینٹنگ نوٹ دے یا ایڈیشنل نوٹ دے, اور جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے جو ڈسینٹنگ نوٹ دیا ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, انہونی چیز نہیں ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب یہ 93 میں نواز شریف صاحب کی جو اسمبلی جب ریسٹور کی تھی سپریم کورٹ میں, تو جسٹس سجاد علی شاہ نے صرف ایک ڈسینٹنگ نوٹ دیا تھا, اور اس میں اس طرح کی بات تھی کہ جی جب سندھ کے پرائم منسٹر کی باری آئی تو اس میں تو اس کو ریسٹور نہیں کیا, لیکن پنجاب کے پرائم منسٹر کو ریسٹور کر دیا. فاروق صاحب, آپ دیکھیں نا کہ قاضی صاحب نے تو ایک اس میں مطالبہ کیا ہے ایک ریکویسٹ کی شکل میں کہ 17 ججز کا بینچ بنایا جائے, سپریم کورٹ کے تمام ججز کا بینچ بنایا جائے, جو دراصل جو ہے جو میاں نواز شریف کا مقدمہ ہے وہ اسی کی دوبارہ اپیل کی شکل اختیار کر لے گا اگر قاضی عیسیٰ کی بات مان لی جائے. تو کیا قاضی عیسیٰ کے اس مطالبے کا کوئی قانونی وزن ہے یا کوئی دباؤ ہے سپریم کورٹ پر؟ نہیں, میرا نہیں خیال کہ کوئی دباؤ ہے, لیکن شاید قاضی فیض عیسیٰ صاحب یہ سمجھتے ہوں کہ جو ججمنٹ نواز شریف صاحب والا ہے وہ درست نہیں ہے. شاید ان کے ذہن میں شاید ان کی انالیسز, لیگل انالیسز اس طرح کی ہو, اور کسی بھی جج کے لیے اس کا یہ ایک لیگل ذہن بننا کہ ایک فل بینچ کسی یا فل کورٹ کسی چیز کے لیے بنائی جائے, تو اگین اس میں کوئی بری بات نہیں ہے, اور ایک یہ ایولوشنری پروسیس ہے لا. فروغ صاحب بیسک بات یہ ہے, دیکھیں آپ جیسے قانون دان اور قانون ساز جو لوگ ہیں وہ ظاہر ہے سوچتے ہوں گے اس پر, اور اس فیصلے کے بعد بہت سارے قانون دانوں نے یہ سوچا ہوگا کہ اس کو ہم ایک بار پھر کسی صورت میں لے جائیں, اور یہ جو قاضی صاحب کا فیصلہ ہے اس پہ الیبوریشن مانگیں, اور جب یہ کھلے گا, یعنی کھولنے میں تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے نا کہ کیس نہیں کھل سکتا, جب اس کو کھولیں شیخ رشید کے کیس کو تو نواز شریف کے کیس تک لے جائیں, پھر اس وقت کیا صورت بنے گی, کیا یہ کھل سکتا ہے نہیں کھل سکتا, اور کھل سکتا ہے تو کہاں تک جا سکتا ہے؟ دیکھیں قانون یہ ہے کہ لیگل پوائنٹ تو کھل سکتا ہے لیکن جو فیصلہ ہو چکا ہے وہ نہیں کھل سکتا. ایک 1987 کا سپریم کورٹ کا ایک ججمنٹ تھا, اس میں اسی طرح کی بات تھی جس میں یہی بحث چھڑی کہ اگر کسی چیز پہ بعد میں سپریم کورٹ یہ طے کر دے
कि नहीं जी फला जो एक पुराना केस था वो हमने गलत डिसाइड किया था, तो वो फ्यूचर के लिए गाइडेंस तो जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई केस जिस पे ऑलरेडी फैसला हो चुका हो, उसकी रिव्यू पिटिशन डिस्मिस हो चुकी हो, अमल दरामद हो चुका हो, तो वो ऐसा नहीं हो सकता कि उसको बुला के फिर दोबारा से उसी केस की सुनवाई शुरू कर दे। लेकिन एक बात और, ये केस तो रिव्यू हो सकता है ना शेख रशीद वाला, और जब ये रिव्यू में जाएगा उसमें 10 और केसेस भी सामने आएंगे कि फला में ये हुआ था, इसमें ये हुआ था, और फिर ये नवाज शरीफ का केस भी डिस्कस हो सकता है। जी हो सकता है डिस्कस, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा कि वो फ्रॉम द लीगल पॉइंट तो केस डिस्कस हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फुल कोर्ट बैठती है और वो ये डिसीजन दे देती है कि नवाज शरीफ साहब का केस गलत डिसाइड हुआ था, तो वो ये नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो दोबारा से अहल हो जाएंगे और दोबारा से प्राइम मिनिस्टर हो जाएंगे, क्योंकि वो जो केस नवाज शरीफ साहब का था उसका जजमेंट आ गया और उसकी रिव्यू डिसमिस हो गई है। अच्छा फरूख साहब, अगर शकील अवान साहब जो हैं जो शेख रशीद के मुखालिफ हैं, अगर वो रिव्यू में जाने के लिए अगर वो ये मुतालबा करें कि ये 3 जजेस की बजाय जो काजी ईसा साहब ने इसी जजमेंट में जो राय दी है उसके मुताबिक 17 रुकनी बेंच बनाया जाए और मेरे केस की हेयरिंग की जाए, तो वो कुछ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की के लिए क्या रास्ता होगा कि 17 रुकनी बेंच बनाए या उसे मुस्तरद कर दे, ये 3 सुने या 17 जज बनाने के इम्कानात की क्या पॉसिबिलिटीज है? देखिए ये सवाबदीदी इख्तियारात चीफ जस्टिस के भी होते हैं और उस बेंच के भी होते हैं जो ये सुन रही हो, जिसने ये केस सुना। अब जैसे उस बेंच में 3 लर्निड जजेस हैं जिसमें से 3 में से एक ने कहा है कि फुल कोर्ट होनी चाहिए, अब ये जब रिव्यू जाएगा तो इन्हीं 3 के पास जाता है और मिसाल के तौर पे 3 के 3 जजेस या मेजॉरिटी एक भी जस्टिस काजी फैज ईसा के साथ मिलके ये कहता है कि नहीं जी ये रिव्यू इसका जो है एक लार्जर बेंच एक फुल कोर्ट सुने, तो और वो फिर चीफ जस्टिस साहब के सामने वो अपनी इस्तेदार रखें, वो अपना जो उनकी एक डायरेक्शंस है वो रखें, और एन मुमकिन है फिर चीफ जस्टिस साहब उसमें एक लार्जर बेंच बना दें। लेकिन अगर रिव्यू के जाने के वक्त अगर इसी तरह जो 2 जजेस हैं वो ये कहते हैं कि नहीं जी कोई जरूरत नहीं है फुल कोर्ट की, तो फिर अगेन काजी साहब का जो ये ऑब्जर्वेशन होगी ये माइनॉरिटी में चली जाएगी। फरोख साहब, क्या ऐसे है कि अगर शकील अवान के वकील आ जाएं सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के लिए, तो क्या दूसरे कोई शहरी या आप बतौर फरोख नसीम, बतौर सेनेटर, बतौर कानूनदान, आप भी उसमें पार्टी बन सकते हैं और लोग भी पार्टी बन सकते हैं और वो बहुत सारे इस फैसले की रोशनी में सवालात उठा सकते हैं? जी ऐसा हो सकता है, क्योंकि एक जजेस के पेंशनरी बेनिफिट्स का केस एक लार्जर बेंच ने डिसाइड किया था सुप्रीम कोर्ट की, मेरे ख्याल में ये 2012 या 13 का फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें जस्टिस साकिब निसार साहब ने और जस्टिस अनवर जरी जमाली इन्होंने जो ओपिनियंस दी 5 जजेस ने दी, लेकिन इन्होंने इन पर्टिकुलर ये कहा कि किसी भी कोई भी सुप्रीम कोर्ट का अगर फैसला आए या तो वो रिव्यू एक फाइल हो उससे वो रिकंसिडर हो सकता है, या अगर एक फ्रेश पिटिशन फाइल की जाए और उस फ्रेश पिटिशन में जज अगर अपनी सवाबदीदी इख्तियार में ये समझता हो कि पुराना फैसला दुरुस्त नहीं है तो वो उसको पिटिशन को नई पिटिशन पे लार्जर बेंच। अच्छा फरूख साहब, ये जो इन्होंने काजी साहब ने जो इशू उठाया है, ये नीचे जो है रिटर्निंग अफसर तक जो है ये बहुत से मगालते आएंगे और बहुत सी जो है आइंदा इलेक्शन के बाद बहुत सी पिटिशनें क्रिएट होंगी, तो वो पिटिशन क्रिएट होंगी वो क्या चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर कोई कानूनी दबाव हो सकता है कि इसके तहत वो 17 रुकनी बेंच पर मजबूर हो जाए? देखिए कानून में दबाव का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन और जस्ट बिकॉज अगर एक आदमी फाइल करे या 1000 आदमी फाइल करें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये बात जरूर है कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं खुद अगर लीगल एनालिसिस उनकी ऐसी हो कि नहीं वाकई इसको एक फुल कोर्ट इसको डिसाइड करना चाहिए ताकि आइंदा के लिए ये जो इश्यूज काजी साहब ने रेस किए हैं ये भी तय हो जाए, तो वो फिर वो अपनी सवाबदीर में एक लार्जर बेंच या फुल कोर्ट बना सकते हैं। सर पूरे मुल्क की नजरें इस केस पर हैं,
लिहाजा बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे लॉ पॉइंट्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो आप नहीं समझते कि इस फैसले ने बहुत सारे रास्ते खोल दिए हैं? मेरी एनालिसिस थोड़ी सी मुख्तलिफ है। मेरी एनालिसिस तो यही है कि जो जो लार्जर बेंच ने नवाज शरीफ साहब के केस में फैसला किया है उसको पढ़ा जाए जस्टिस फैसल अरब के एडिशनल नोट के साथ, इजाफी नोट के साथ जो उन्होंने हनीफ अब्बासी के केस में दिया है, और उससे जो बात अखज होती है वो ये होती है कि जब मामला एक मेगा करप्शन का है, बड़े करप्शन का है, जिसका किसी किस्म की कोई प्राइमर फेसी जो है जस्टिफिकेशन नहीं है, तो फिर अदालतें 62-63 में डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं, 62-1F में डिस्क्वालीफाई कर सकती हैं। लेकिन अगर मामला जो है इतने बड़े मेगा करप्शन का नहीं है, छोटे मोटे एरर का है या छोटे मोटे जस्टिफिकेशन किसी ने दिया या फलाना एसेट डालना भूल गया, तो फिर फैसले जैसे इमरान खान का हुआ, जैसे फैसला शेख रशीद का हुआ, जैसे फैसला अख्वाज आसिफ का हुआ, ऐसे फैसले होंगे। बैरिस्टर फरोग नसीब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमारे नाज़ जो है वो इस अहम इशू पर आगाह किया। नाज़ यहाँ पर हम लेंगे ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।
ویلکم بیک ناظرین. خوشنود علی خان, اس ملک کے جو تین بڑے لیگل اور پولیٹیکل برین ہیں, کیونکہ حامد خان صاحب بھی ایک تو بہت بڑے سارے لیگل پولیٹیکل برین ہیں, یعنی یہ ایک نہیں ہے کہ لیگل برین ہے, صرف یہ پولیٹیکل برین. دیکھیں نا, اعتزاز احسن چودھری صاحب جو ہے نا وہ سینٹ کے ممبر بھی ہیں, اور ممبر نہیں قائد حزب اختلاف رہے, وزیر رہے, وزیر رہے, پتہ نہیں وزیرات رہے, ابھی بھی پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں, اور پاکستان اور بہت جیلیں بھی دیکھی ہیں اپنے گھر کو بھی انہوں نے بنے ہوئے دیکھا. اس طرح حامد خان صاحب جو ہے وہ ایسی قانونی کتابوں کے رائٹر ہیں جس کو وکیل بھی جو ہے احترام سے پڑھتے ہیں, اور حامد خان ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں تحریک انصاف کے جو ہے وہ, بالکل بالکل, تینوں بہت عزت والے ہیں, بہت نام والے ہیں, بہت عزت والے ہیں, بہت اچھا ایٹیٹیوڈ ہے وکالت میں بھی اور سیاست میں. اچھا, اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے امکانات بہت پیدا ہو گئے ہیں جب یہ تین پولیٹیکل لیگل برین کہہ رہے ہیں. ہمارے پروگرام کو جس نے غور سے دیکھا, یہ بہت بڑا ایک پنڈورا باکس ہے, کھل گیا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں پنڈورا باکس کہ شاید اسے کوئی سنبھال نہیں سکے گا. یعنی ہمیں اس کے اندر معلوم ہوا کہ اچھا پہلے بھی کنٹرڈکٹری فیصلے موجود ہیں اور کوئی فیصلہ دوسرے سے نہیں ملتا, لہٰذا اس کو کسی ایک جگہ پہ لانا بہت ضروری ہے. مگر وہاں بھی کتنا خوبصورت بات کہی اعتزاز نے کہ غلطی کا احتمال ہے اور غلطی ایسی نہ ہو جو ریویو نہ ہو سکے. ہاں, اور یہ تو انہوں نے کہا کہ 17 رکنی بینچ نہیں بننا چاہیے, نہیں بننا چاہیے. اچھا, کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ کاغذات نامزدگی میں جو حقائق پیش کیے گئے ہیں اس کو چھپانا ایک اتنا بڑا جرم ہو گیا ہے کہ جس میں آدمی کی سیاسی طور پر الیکشن لڑنے کے لیے نااہلی ہو جاتی ہے اور تاحیات نااہلی بھی ہوتی ہے. اور اس میں جو بڑے مقدمات ہیں وہ ایک تو میاں نواز شریف کا مقدمہ ہے, شیخ رشید کا مقدمہ ہے, خواجہ آصف کا مقدمہ ہے, نواز شریف کے ساتھ اور کون ہے, جہانگیر ترین, جہانگیر ترین کا, اور بہت سارے لوگ. اچھا, ہاں, اور پہلے بھی ہوئے ہیں فیصلے. اصل میں یہ نام آپ کو زبانی یاد ہیں کیونکہ یہ بڑے پولیٹیکل لیڈر ہیں. اس کے سوا اور بھی بے شمار, اور بھی بہت سارے ہیں, کئی لوگ بےچارے چپ کر گئے, اس کو پوچھا نہیں, اب کھلیں گے وہ. ہاں, اب وہ سارے جائیں گے, اب دیکھیے گا ایک درخواست جائے گی 100 درخواستیں ہو جائیں گی, 200 درخواستیں ہو جائیں گی, یہ بہت کھلنا شروع ہو جائے گا. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. خوشنود علی خان, ناظرین, پاکستان کے اس اہم سپریم کورٹ کے فیصلے پر مختلف ماہرین کی آرا آپ کے سامنے پیش کی ہیں تاکہ آپ فیصلہ کر سکیں کہ بہتر اور صحیح بات اس میں کیا ہے. اب اجازت دیجئے انجم رشید کو, خوشنود علی خان کو, اور ڈی این اے کی پوری ٹیم کو.